राधे, कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल द लाइफ स्टाइल सोनिया में। तो टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30 बज गया है और मैं आपको मिल रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम को संध्या आरती से। तो अभी तो बस नाउन जो होती है ना, वो आंटी आई थी पैर में रंग लगाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने पैर में रंग भी लगवाया है। तो जैसे बीच बीच में ना कभी कभी आती रहती हैं तो पैर में रंग लगाने के लिए, तो हम लोग लगवा लेते हैं। मतलब कॉलोनी में सभी लोग लगभग लगवाते हैं, तो मैं भी लगवा लेती हूँ। अच्छा लगता है, इसी बहाने पैर में रंग भी लग जाता है ना। तो हम औरतों के पास तो टाइम रहता नहीं कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे दें। तो ये था कि आ गई थी, तो फिर मैंने मतलब लगवा लिया पैर में, और थोड़ा सा मैंने वीडियो भी बना लिया, और फिर इनको 10 रुपये भी मैंने दिए। तो जितना आपको हो उतना आप जैसे दे सकते हैं इनको पैसे। फिर ये बाजू के सूट की सिलाई निकल गई अभी मैंने देखा, चलिए इसको सिलना पड़ेगा। ये सूट बहुत पुराना है, मेरा ऑफिस के समय का सूट है, थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो ये बाजू तो ठीक है, इसकी देखिए सिलाई आज ही निकल गई है। तो चलिए कोई नहीं, ये तो अभी मैंने ब्लॉग में बनाते मैं अभी मैंने देख लिया, तो ध्यान ही नहीं था। तो चलिए 5:30 हो गया, संध्या आरती कर लेते हैं, पूजा करते हैं, और फिर हस्बैंड भी आने वाले होंगे, फिर चाय बनाते हैं। और किचन वगैरह देखिए पूरा क्लीन है, बर्तन मांज लिया था मैंने, पर बेसिन में सिर्फ एक फ्राईदान बचा है, वो भी दूध गर्म आया था, तो वही फ्राईदान बचा है बेसिन में, बस उसको मांजना है। पूरा किचन क्लीन है, बर्तन पूरे मांजे हैं, फ्राईदान है, और बस इतने से बर्तन है। फ्राईदान एक कढ़ाई और छन्नी आटा चलने वाली, तो ये मैं मांजूंगी। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे गज्जू पढ़ने के लिए बैठ गई हैं, है ना गज्जू? हाँ, क्योंकि पापा आने वाले हैं ना, पापा के डर के से पढ़ने बैठ गई हैं। तो मम्मा के कहने का तो कोई असर है नहीं, टाइम का पता है कि पापा आने वाले हैं, तो अपना पढ़ने बैठ गए कि डांट ना पड़े पापा से। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं। तो चलिए मैं संध्या आरती कर लेती हूँ, और फिर बस ये भी आने वाले होंगे, तब चाय भी हम लोग पियेंगे। संध्या पूजा भी हो चुकी है, और ये अगरबत्ती मैंने नीचे जलाया, धूप बत्ती खत्म हो गई थी, तो आज अगरबत्ती रखा था तो वो जला दिया था, और तुलसी में भी मैंने दिया जला दिया है। और ये हमारे कान्हा जी मोर पंख जो है गिरा रहे हैं, तो ये हमारे कान्हा जी हैं। तो चलिए आरती हो गई, अपने कान्हा को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं तुलसी मैया को भी दिया जला दिया है, उनकी भी मैंने पूजा कर ली है। यहाँ पे मैंने अगरबत्ती ही जलाया है। तो चलिए शुरू किया आपने, बताओ आपने पढ़ाई कहाँ से लिखना शुरू किया है? यहाँ से शुरू किया है, और कहाँ तक कंप्लीट हुआ? यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से कौन करेगा? शुरू से लिखना चाहिए था ना, यहाँ से नहीं किया, इसको कंप्लीट नहीं किया। तो अभी तो आपके लिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। क्या बात है भाई, मामला कुछ गड़बड़ है? हंस रही हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? वो देखो दीदी भी हंस रही थी, उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। हंसी आ रही तुम लोगों को? इधर देखो, आपको भी हंसी आ रही है? अरे 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 नहीं, मैं डांट रही हूँ, तुम लोगों को हंसी आ रही है क्या? हा? पापा आने वाले पूछेंगे कि क्या लिख रही हो, मुझे जरा बताओ क्या ये, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ, इस हाँ क्या कहते हैं? हाँ बताओ बताओ, इसको क्या कहते हैं बिट्टू, इसको क्या कहते हैं? अरे इसको, हाँ क्या कहते हैं, क्या है वो? देखो ध्यान से देखो, उसको क्या कहते हैं, क्या है वो? बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस, आई फोर आइस। हाँ, और ये क्या है, ये क्या है? जूस, जे फोर जूस। हाँ, और ये क्या है, ये पतंग। पतंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइट, के फोर काइट। हाँ, ये क्या है? अमरूद, अमरूद दिख रहा है तुमको, ये क्या है? ध्यान से देखो, ये क्या है देखो, नींबू पानी, नींबू पानी। अरे चलो ठीक है, नींबू तो दिख रहा है, नींबू तो दिख रहा है, पानी कहाँ है इसमें?
हाँ जब पानी में डालते हैं नींबू है, नींबू की इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेमन। एल फॉर देखो, आई फॉर आइस, जे फॉर जूस, के फॉर काइट, एल फॉर लेमन। आई बात समझ में कि भूल गई कि पापा करना है? अरे तो सब देख रहे, सब लोग देख रहे, बस तुम कही। अब हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, तो यहाँ पे बन रही चाय, और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जो दूध वाले भैया सुबह दूध दे गए थे वो दूध है, और एक पैकेट मैंने अभी मंगाया है, तो दोनों को मिला के मैं एक ही भगोने में उबाल रही हूँ दूध, क्योंकि आज हस्बैंड का फास्ट है, तो आज के दिन जो है दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि हस्बैंड का दूध पराठा शाम को वो खाते हैं, पूरे दिन फास्ट रहते हैं, फिर शाम को पूजा करने के बाद, बजरंग बली को भोग लगाने के बाद फिर वो दूध पराठा खाते हैं। तो बस चाय पी लेते हैं, फिर मैं खाने की तैयारी में लगूंगी, पहले हस्बैंड को बना के दे दूँगी, फिर अपने और बच्चों के लिए देखती हूँ क्या करना है, और बर्तनों का भी स्टैंड पर लगाना है तो वो लगाऊंगी। पहले मैं यहाँ पे बना लेती चाय और हम लोग चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी को मैंने यहाँ पे टमाटर को टोकरी में ऐसे रखा है, और ये इधर मटर, इतनी सारी मटर है, ये सब मंडी से आई है, और ये प्याज है, नीचे पुरानी आलू जो पहले के आलू रखे थे वो आलू है, और जो ये नीली टोकरी में आलू देख रहे हैं अभी मंडी से आई है, तो सब इस तरीके से अभी मैंने रख दिया है ये देखिए। और जो गोभी वगैरह था तो उसको मैंने फ्रीज में लगा दिया, टमाटर वगैरह ये है। तो मंडी से सब्जी लाना जो है थोड़ा सा ठीक रहता है, मतलब मंडी में थोड़ी सब्जी सस्ती भी मिल जाती है और फ्रेश सब्जी मिलती है, और आपको वैसे कोई छोटी मोटी दुकान से खरीदने जाएंगे ना तो सब्जी फ्रेश मिलती भी नहीं है, ऊपर से महंगी भी देते हैं। तो जैसा कि आलू प्याज टमाटर इन सब चीज़ों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, इन सबका खर्चा ज़्यादा होता है सब्जी बनाते समय, तो हम लोग तो अधिकतर कोशिश यही करते हैं कि आलू टमाटर वगैरह या प्याज या लहसुन वगैरह ये सब हम लोग मंडी से ही ढेर सारा ला कर रख देते हैं, और बाकी जैसे हरी सब्जियाँ हैं तो डेली यूज़ में जो जो सब्जी बनना वो उस टाइप से रोज़ डेली यूज़ में आती रहती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए चाय, बस थोड़ा सा देर और पकाऊंगी चाय को, फिर छानूंगी और फिर हम लोग चाय पियेंगे डायरेक्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ, तो ये गर्मा रही हूँ, पूजा मेरा हो गया है, कान्हा को भी दूध का भोग लगा दिया है, अब मैं अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैंने पानी गर्माया है, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कान्हा के लिए ये गुजरी छौंक दी है, तो मैंने ज़रा सा बस घी डाला है और थोड़ा सा जीरा, और फिर ये मटर आलू और नमक बस। तो ये मैं कान्हा के लिए छौंक रही हूँ, फिर उसके बाद कान्हा का जब बन जाएगा तब उसके बाद अपने सबका मैं प्याज वगैरह काट के छौंकूँगी, तो कान्हा का बना के कान्हा को भोग लगा दूँ, फिर अपने सबका बनाऊँगी। चलिए तो ढक देते हैं, यहाँ पे देखिए कानों को भोग लगा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग की गुगड़ी भी मैंने छौंक दी है, ये भी पकेगी। तो यहाँ पे गुगड़ी पक रही है और चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे ये चाय, तो बस अदरक डाल देते हैं, चाय पकेगी थोड़ा देर फिर मैं छानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड की, मेरी प्लेट लग गई है गुगरी की, और ये है चाय। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।